हमारे संवाददाता बलराम पांडे ने बताया कि रीवा सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग में चूरहट बाईपास सड़क निर्माण हो चुकी है, लेकिन लोकार्पण के इंतजार में अभी तक पूरी तरह से उपयोग में उसे नहीं लाया जा रहा है, जिसके कारण भारी वाहनों की आवाजाही चूरहट बाजार से ही होती है। लगातार भारी वाहनों की आवाजाही के कारण सर्रा से मोहनिया तक की करीब 12 किलोमीटर सड़क काफी जर्जर हो चुकी है। खासकर चूरहट बाजार क्षेत्र में सड़क में बन चुके खाईनुमा गड्ढों के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। खासकर कि स्थानीय लोगों को बारिश के मौसम में पैदल तक निकलना मुश्किल हो रहा था और स्कूली छात्र छात्राओं को बाजार क्षेत्र से घुटने तक कीचड़ भरी सड़क में पैदल व साइकिल से आने जाने में काफी परेशानी हो रही थी। चूरहट बाजार की सड़क की खस्ता हाल हालत को लेकर लंबे समय से सियासत भी चल रही है। इस मौके पर मुख्य रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष रतिबान सिंह पटेल चुनाव प्रभारी रहे, ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री, रामविलास पटेल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष, बैजनाथ सिंह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, कमलेश्वर सिंह नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष, अजय पांडे नगर परिषद वार्ड नंबर 11 के पार्षद, अधिवक्ता उमेश गुप्ता, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष अरुण तिवारी, कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव राम सुमिरन सेन, दिनेश सिंह सहित कांग्रेस के सभी कार्यकर्तागण मौजूद रहे। सड़क संबंधी सवाल पूछे जाने पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने सड़क पर गंभीर चिंता जताते हुए बयान दिया। देखिए, चूरहट की रोड के बारे में जी, अभी पिछले 6-7 महीना पहले 8 महीना पहले जी, बहुत बड़ा बवाल हुआ था, जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष जी ने स्वयं के व्यय से काम चालू करवाया और बहुत सारा काम हुआ भी, रोलर डंपर मटेरियल गिरे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रशासनिक प्रेशर के चलते उस काम को रुकवा दिया गया। अधिकारी यहां आके खड़े होकर काम रुकवाए कि अभी ये काम नहीं होगा, और उस टाइम पे हमारे विधायक, हमारे सांसद दिल्ली में बैठ के ये मैसेज दिए मीडिया के माध्यम से कि बस रोड की मंजूरी हो गई है और पैसा वहां से पहुंच रहा है। लेकिन आज 8 महीने होने को आए, इस रोड में अभी हमें पता चला है कि काम शुरू हुआ है। अब जब तक काम पूरा नहीं होगा, वो भी किसी ने बताया कि 2 पैच में काम होने वाला है, तो जब तक इस रोड का काम पूरा नहीं होगा तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के साथ सही वादा और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। चूरहट से बलराम पांडे की रिपोर्ट।